व्हाट इज मेजर टाइम एंड व्हाट इज माइनर टाइम। जब आप अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं दैट इज माइनर टाइम, और जब आप प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं जिससे आपको पैसे आते हैं दैट इज मेजर टाइम माय डियर फ्रेंड। लोग बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, चीजें वही की वही रहती है। तो आप सोचो कि एवरेज सेल्स पर्सन 90 मिनट कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूं। आप जिस बिजनेस में है आपका मेजर काम क्या है? आपका मेजर काम है प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन क्लोजिंग, यही तो काम है ना आपका, पैसे तो इसी से आने वाले हैं। दिस इज द मेजर टाइम। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो फेस टू फेस, जब आप उनको प्लान दिखा रहे हो, जब आप उनको प्रोडक्ट बता रहे हो, जब आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब आप फॉलो अप कर रहे हो, ये आपका मेजर टाइम है। इसके अलावा जो काम कर रहे हो वो माइनर टाइम है। आप ट्रैवल कर रहे हो वो माइनर टाइम है, आप घर में बैठे हो माइनर टाइम है, आप जूम पे मीटिंग देख रहे हो वो माइनर टाइम है। उससे आपको पैसे नहीं आते, पैसे आपको सिर्फ इसी काम से आते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन क्लोजिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, जब तक नेक्स्ट टाइम आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब नेक्स्ट टाइम आप फॉलो अप कर रहे हो, अपने मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए, और जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, प्रेजेंटेशन कर ली, उसको ऑफ कर लीजिए। एक दिन का डेटा निकालेंगे ना, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे कि आप भी दिन में 90 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते। तो अगर हमें अपनी बिजनेस बढ़ानी है, अगर हमें अपना सेल बढ़ाना है, अगर हमें अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी है ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे माइनर टाइम को मेजर टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो टाइम हम सोकर बिताते हैं, जो टाइम हम खा के बिताते हैं, जो हम ट्रेवल में बिताते हैं, जो मोबाइल पे फेसबुक देखकर बिताते हैं, वो माइनर टाइम को हमको मेजर टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप टाइम मैनेज करके अपने माइनर टाइम को अपने मेजर टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इस बिजनेस में धुआं उठा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर जज्बा है, आपको पता ही नहीं कि टाइम खराब कहां पे हो रहा है। लोग माइनर टाइम और मेजर टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे लेकर चलता हूं, द बाइंग साइकोलॉजी रूल नंबर 5 माय डियर फ्रेंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बाइंग फिलोसॉफी के बारे में बात किया, राइट? व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ? People buy for emotional reason rather than logical reason. That is the philosophy of life. ये हमारी life का philosophy है. लेकिन लोगों की एक psychology भी तो होती है, मनोविज्ञान होता है. आप हैं मेरे साथ, मनोविज्ञान समझते हैं? Hello. What is the psychology behind buying? There are two psychology, my dear friend, desire and fear. इस दुनिया में दो ही मनोविज्ञान ऐसे हैं जो इंसान से कोई भी काम करवाती है। दिस इज द बाइंग फिलॉसफी, दिस इज द बाइंग साइकोलॉजी, डिजायर एंड फियर। यानी हिंदी में अगर इसे कहें तो इच्छा या डर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मजेदार चीज। आज तक जब से आप इस धरती पे आए हो और आज तक आपने जो कुछ भी किया है, या तो डिजायर के लिए किया है या फियर के लिए किया है, तीसरी कोई साइकोलॉजी आपके यहां काम नहीं करती। सोच कर देखिए, दुनिया में इंसान कुछ भी करता है उसकी पीछे दो ही साइकोलॉजी काम करती है, या तो वो डिजायर के लिए करता है या वो फियर के लिए करता है। आप पानी पीते हैं, पीना काम है। क्यों पानी पीते हैं? क्योंकि प्यास लगी है, पीने की इच्छा है, डिजायर साइकोलॉजी है। आप खाना खाते हैं क्योंकि भूख लगी है, खाना इच्छा है, डिजायर साइकोलॉजी। आप दवा खाते हैं, दवा खाना डिजायर कभी नहीं हो सकता, राइट? लेकिन दवा हम इस डर की वजह से खाते हैं कि अगर दवा नहीं खाएंगे तो बॉडी और ज्यादा खराब हो जाएगी, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फियर साइकोलॉजी है। क्या मैं ठीक हूं? आप बच्चे की फीस भरते हैं, फियर साइकोलॉजी। बच्चे की फीस कोई नहीं भरना चाहता, लेकिन भरना पड़ता है क्योंकि बच्चे को अगर एजुकेशन देनी है तो फीस भरनी पड़ेगी। आप हॉलीडे पैकेज खरीदते हैं, डिजायर साइकोलॉजी। आप दुनिया घूमना चाहते हैं, आप मेडिक्लेम खरीदते हैं, फियर साइकोलॉजी है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर बीमार पड़ जाएंगे तो मेडिक्लेम रहेगा तो सपोर्ट हो जाएगा। क्या मैं ठीक हूं? आप देखिए, आपने जिंदगी में आज तक जो कुछ भी किया है वो या तो आपने फियर साइकोलॉजी के लिए किया, या तो आपने डिजायर साइकोलॉजी के लिए किया है ना। तीसरी कोई साइकोलॉजी हमारे यहाँ काम नहीं करती है। तो अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को बेचना है, अगर हमें हमारे प्लान को सेल करना है, तो हमें इन्हीं दोनों साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां एक चीज बतानी जरूरी है, फियर इज स्ट्रॉन्गर देन डिजायर। फियर इज स्ट्रॉन्गर देन डिजायर है, ज्यादा मजबूत होता है इच्छा से। क्योंकि जब जिंदगी में चॉइस की बात आती है ना, तो हम डिजायर को सैक्रिफाइस करते हैं, फियर को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आज ऑफिस से आप जल्दी आ गए, 2 घंटे 3 घंटे समय आपके पास एक्स्ट्रा बच गया,
आपने प्लान किया कि दोस्त के साथ जाके डिस्को जाएंगे, मूवी देखेंगे, ऐसा आपने प्लान किया? हम डिस्को क्यों जाते हैं, मूवी क्यों जाते हैं? डिजायर साइकोलॉजी है, इच्छा है, इंजॉय करना चाहते हैं। आपके घर से आपकी माता जी का, आपकी वाइफ का फोन आता है कि घर में बच्चा बीमार हो गया है, डॉक्टर के लेके जाना है, आप क्या करेंगे? डॉक्टर के जाएंगे या मूवी देखने जाएंगे? डॉक्टर के जाना फियर साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, नहीं तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। मूवी फिर कभी देख लेंगे, डिस्को फिर कभी चले जाएंगे, यानी डिजायर को हम सैक्रिफाइस करते हैं, डिजायर को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन फियर को प्रायोरिटी देते हैं। क्या मैं ठीक हूं? तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को, अगर अपने प्लान को हम फियर साइकोलॉजी पर सेल करना चाहें ना, तो हमारा कन्वर्जन का रेट बहुत ज्यादा आता है। जब किसी को आप प्लान दिखाने जाए, जब किसी को आप प्रोडक्ट देने जाए, तो थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचिए कि इस प्रोडक्ट को, इस प्लान को हम फियर साइकोलॉजी पे कैसे लेके आ सकते हैं। देखिए, लोग दो रीजन से खरीदते हैं, या तो फायदे के लिए या नुकसान से बचने के लिए। कोई भी चीज आदमी दो ही सूरत में खरीदता है, या तो फायदे के लिए या नुकसान से बचने के लिए। अगर आप इस प्लान को लोगों को फियर साइकोलॉजी पे दिखाएं, कि अगर जनरली हम क्या करते हैं ना, हमारे बिजनेस प्लान को डिजायर साइकोलॉजी पे लोगों को दिखाते हैं। हम क्या दिखाते हैं कि अरे इस कंपनी में आप आ जाओ, यहाँ से आप लाखों रुपए कमाओगे, आपकी लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी, आप मर्सिडीज खरीद लोगे, आप जैगुआर खरीद लोगे, आप बड़ा मकान बना लोगे, आप विदेश घूमने चले जाओगे, ये सारे डिजायर पे एंडोर्स कर रहे होते हैं। क्या मैं ठीक हूँ? लेकिन अगर आप लोगों को फियर पे समझाएं, अगर आप उनको समझाएं कि अगर इस बिजनेस में आने के पहले कहीं आप गुजर गए, तो आपको पैसिव अर्निंग कहां से आएगी? इस बिजनेस में आने के पहले अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया, तो आपके बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन देने से रह जाएंगे, आपके माता पिता को अच्छा इलाज नहीं देने से रह पाएंगे। अगर आप इसको फियर साइकोलॉजी पे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको दावा देता हूं कि आपका कन्वर्शन का रेट डबल हो जाएगा।